हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ निकुल। आपको एक बाइक की डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि आपकी बाइक में खड़े खड़े भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभार, और ऑयल ख़त्म होने के भी उसके बाद एयर में एयर आ जाती है डिस्क ब्रेक में, इसके कारण ब्रेक लगती नहीं। आप देख सकते हो कि यह डिस्क ब्रेक वाली बाइक है, इसकी ये ब्रेक पूरी दबा देते हैं लेकिन थोड़ी भी लगती नहीं है। ये देखो, इसका व्हील अभी भी घूम रहा है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पहले इधर से आपको ये दो स्क्रू खोल लेने के हैं। जैसे कुछ खुल जाएगा फिर इसमें ये प्लास्टिक का पैकिंग रहता है और नीचे में ऐसा रबर रहता है, और इसमें ऑयल रहता है, लेकिन अभी ऑयल का थोड़ा भी ऑयल नहीं है, इसमें पूरा लीकेज होके निकल गया है। आपको अभी जैसे जैसे लाइनर घिसते हैं ऐसे ब्रेक का ऑयल डालना पड़ता है ताकि ब्रेक का कंप्रेसर बना रहे। तो आपको अभी बताऊँगा कि अभी मेरे पास ब्रेक ऑयल है, मैं इसको पहले डाल देता हूँ, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालने का है, और पहले ऊपर से ही बनाने का है कॉम्प्रेशन, ब्रेक से ही देखने का है कि बनता है कि नहीं। जैसे जैसे हवा का है ऐसे ब्रेक दबाने की है, जैसे जैसे एयर निकलेगी ऐसे ऐसे ऑयल अंदर चला जाएगा। थोड़ी देर ऐसे कोशिश करनी है, ना निकले तो आपको 11 नंबर का एक टूल ले लेने का है, जो रिंग पाना होता है ना वो, और इधर इधर एक बोल्ट होता है ये ऊपर के साइड में, तो उसको लगा के थोड़ा लूज कर देने का है। ये मैंने लूज कर दिया है, अभी थोड़ा एक सा लूज करूँगा और ताकि ऑयल देखो अभी इधर से जाएगा ना ऑयल, तो उधर से ऑयल निकलेगा। देखो कैसी एयर निकल रही है, और इसके साथ साथ में भी ऊपर में भी ब्रेक टाइट हो जाएगा। और ये डिब्बी में ऑयल खाली होता रहेगा, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालता रहने का है, ये खाली हो जाएगा तो फिर एयर ले लेगा, इसके कारण डालते ले रहने हैं। अभी एयर पूरी निकल गई है तो इधर से बोल्ट टाइट कर लेने का है, ये 11 नंबर का जो दिखाया था ना वो बोल्ट टाइट कर देने का है, फुल टाइट कर देने का है, ऑयल लीकेज ना हो पाए, वरना आपकी ब्रेक कभी भी ख़राब हो सकती है। इधर से ऑयल निकल जाएगा तो ब्रेक नहीं लगेगी। ये पूरा लगा के उसके ऊपर कैप लगा देने के, ताकि कचरा बचरा कुछ मिट्टी विट्टी इसे अंदर न जाए, और वो ऑयल लगाए ना वो साफ कर देने का है। और इसको इतना भर के रखने का है जो इधर लेवल लगा हुआ होता है प्लास्टिक का, मिनिमम उधर तक ऑयल दिखना चाहिए। फिर उसके बाद ये कैप लगा देने की है, जो रबर का है ना वो अंदर डाल देने का है, और बाद में ये ढक्कन बिठा देने का है, तो आपका ब्रेक वर्क करने लग जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा होती नहीं है, आप खुद घर पे भी कर सकते हो, मैकेनिक के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको टाइट कर लेने का है, और ये जब सब ऑयल निकला है ना वो सब हटा देने का है। ये ऑयल बहुत डेंजर होता है, जो पेंट पे लगेगा ना तो अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में उसका ऊपर जो कोटिंग होता है ना वो हट जाएगा और कलर पूरा निकल जाएगा। इसके लिए ये साफ करना बहुत ज़रूरी है। अभी देख सकते हो कि ब्रेक कितना टाइट हो गया,
और देखो ये ब्रेक दबा के रखता हूँ तो चक्का भी घूमता नहीं है। अभी व्हील पूरा टाइट हो गया, पहले कैसा था पूरा ढीला हो गया था, अभी आप देख सकते हो अभी घूमेगा नहीं। ऐसे ठीक कर सकते हो। चलो तो बाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। ऐसी ट्रिक पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके और आगे के दूसरे भी वीडियो देख सकते हो। आप घर पे भी खुद कर सकते हो और दूसरी वीडियो भी अच्छी आएगी। वीडियो कुछ चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरी बना दूंगा, बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो बाय।